वेलकम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा है नॉन कन्वेंशनल मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। उसके अंदर SCP है। SCP एडिबल प्रोटीन है। उसका जो सोर्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए कल्चर मीडियम के अंदर कल्टीवेट किए जाते हैं, उगा सकते हैं, उसको कल्टीवेट कर सकते हैं। कल्चर मीडियम के अलावा बहुत सारे सोर्सेस हैं, सबस्ट्रेट हैं, जिसके ऊपर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग देख रहे हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर यूज्ड एज अ SCP प्रोडक्शन। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर SCP प्रोडक्शन, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं कौन से जिनको हम यहाँ पर जो है SCP के तौर पर यहाँ पर कल्टीवेट करना है और उसको अपने फूड मटेरियल के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो कोई पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है, बल्कि आपके सामने फंजाई भी हैं, ईस्ट भी हैं, अल्गी भी हैं, बैक्टीरिया भी हैं। ये अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप हैं जो यहाँ पर सिंगल सेल हैं, यूनिसेलुलर हैं, और इनके ज़रिए से प्रोटीन का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। तो ये तमाम के तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, दे कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ SCP सिंगल सेल प्रोटीन के तौर पर इनका जो है यहाँ पर यूटिलाइजेशन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर फंजाई के अंदर ख़ास तौर से एस्परजिलस नाइगर, ये फंगस जो है यहाँ पर इसके अंदर प्रोटीन पैदा करने की सलाहियत है। तो एस्परजिलस नाइगर यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर SCP सिंगल सेल प्रोटीन के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर एग्जांपल फंजाई के अंदर ही है, वो है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज़, अलग अलग स्पीसीज़ यहाँ पर हैं, उसके अंदर से कुछ जो यहाँ पर मौजूद रहेंगी वो जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच आर यूज्ड फॉर द SCP प्रोडक्शन। ये फंगस की टाइप हो जाती है। ईस्ट का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा होता है, बेकरी के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब के अंदर जो है यहाँ पर ईस्ट इस्तेमाल होता है। इसीलिए ईस्ट को आम तौर पर बेकर से ईस्ट कहा जाता है, यानी बेकरी वालों का ईस्ट कहा जाता है। ईस्ट का जो नाम है यहाँ पर बायनोमियल नोमेनक्लेचर सेकेरोमाइसिस सेरेवाइसी या सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी, ये जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पर आमतौर पर तो फर्मेंटेशन के अंदर इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल यहाँ पर जो है दे कैन बी यूज फॉर द SCP वो भी किया जा सकता है। कैंडिडा, ये जो यहाँ पर जो है ये एक टाइप है, इसके अंदर भी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। कैंडिडा स्पीसीज़ जो यहाँ पर पाए जाते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, इसके अंदर भी प्रोटीन पैदा करने की सलाहियत है, वो भी यहाँ पर जो यूज़ हो सकता है। अल्गी को ख़ास तौर से प्रोमोट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है पानी जो जमा हुआ स्टैग्नेंट वाटर है उसके अंदर अल्गी डेवलप हो जाती है, और कुछ अल्गी जो यूनिसेलुलर हैं वो यहाँ पर जो है SCP के तौर पर यूज़ हो सकते हैं। वह स्पायरोलिना और क्लोरेला बिल्कुल कॉमन ये अल्गी हैं, फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। सबसे आसान यही रहेगा, हमें कोई सब्सट्रेट की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टैग्नेंट वाटर है कहीं पर पर्टिकुलर एरिया के अंदर पानी जमा हुआ है उसके अंदर चंद यहाँ पर सेल अगर स्पायरोलिना क्लोरेला के हम डाल देते हैं, ऑटोमेटिकल इनका ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल ईजिली यहाँ पर हो सकते हैं। तो अल्गी के अंदर स्पायरोलिना और क्लोरेला दे कैन बी यूज एज अ SCP। और लास्ट में बैक्टीरिया के अंदर बैसिलस स्पेसिस ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, और भी बहुत सारे बैक्टीरियाज़ हैं जो यहाँ पर यूज़ होते हैं, लेकिन कॉमन यहाँ पर जो है बैसिलस स्पेसिस जो है यहाँ पर प्रोटीन प्रोडक्शन की एबिलिटी पाई जाती है, दे कैन बी यूज फॉर द SCP यहाँ पर ये हो सकता है। अगर हम यहाँ पर SCP का प्रोडक्शन करते हैं और मीट के बदले, गोश्त के बदले, अगर यहाँ पर हम जो है ये जो प्लांट्स हैं इनको अगर अपने फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं, इनका कल्टीवेट करना चाहें, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो यहाँ पर पहला एडवांटेज जो होता है, दे मल्टीप्लाई वेरी फास्ट, इनके अंदर ग्रोथ और डेवलप यूनिसेलुलर हैं, तो मल्टीप्लीकेशन माइटोटिक डिवीजन यहाँ पर होता है और बड़ा फास्ट यहाँ पर जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट इनके अंदर जो यहाँ पर पाया जाता है। ऐसा कहा जाता है अगर एक काऊ है 24 घंटा अगर हम इसको बहुत ज़्यादा चारा वगैरह दे रहे हैं, तो उसकी हाईएस्ट कैपेसिटी जो प्रोटीन पैदा करने की है वो 250 ग्राम रहेगा, 1.25 किलो जिसको हम कहते हैं, उतना उसके अंदर जो एक कैपेसिटी पाई जाती है। और यहाँ पर कितना चारा खा लेगी और सिर्फ हमें 250 ग्राम प्रोटीन 24 घंटों में हासिल हो सकता है। लेकिन ये कहा जाता है ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है 24 घंटों के अंदर अगर इसको कल्टीवेट करें तो 25 टन्स ऑफ प्रोटीन यहाँ पर प्रोड्यूस
प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा चीप मेथड भी है और इनके अंदर रिप्रोडक्टिव एबिलिटी इतनी फास्ट होती है कि दूसरा पॉइंट विद इन अ शॉर्ट टाइम लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन बी कल्टिवेटेड, लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन अ शॉर्ट टाइम हम यहाँ पर जो है कल्टिवेट कर सकते हैं। ये एबिलिटी सबसे बड़ा फायदा जो है यहाँ पर यही होता है। फिर उसके बाद SCP का जब हम कल्टिवेशन करते हैं, दीज आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, विटामिन, अमाइनो एसिड, मिनरल्स और फाइबरस मटेरियल हासिल होते हैं। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ प्रोटीन हमें हासिल नहीं होगा बल्कि प्रोटीन के अलावा विटामिन्स भी हासिल होंगे और दूसरे जो है यहाँ पर जो है अमाइनो एसिड भी हासिल हो सकते हैं। बहुत सारे जो मिनरल सॉल्ट हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी फॉर आवर ऑर्गन्स नॉर्मल फंक्शनिंग वो भी हमें हासिल हो सकते हैं और फाइबरस फूड मटेरियल भी यहाँ पर हासिल हो सकते हैं। आपको पता है फाइबरस फूड मटेरियल कितने ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ पर होते हैं, ये यहाँ पर बॉडी के अंदर जो है यहाँ पर फाइबरस मटेरियल की वजह से दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रिड्यूस द बॉडी वेट और यहाँ पर जो रहेगा इनके अंदर जो है यहाँ पर बेनिफिशियल पॉइंट है कोलेस्टेरॉल नहीं होते हैं और फाइबर्स जो है ईजिली यहाँ पर जो है डाइजेस्ट हो सकते हैं। ये तमाम सोर्सेज भी यहाँ पर इसके अंदर बेनिफिशियल पॉइंट हैं। फिर उसके अलावा जो है यहाँ पर SCP के अंदर वेस्ट मटेरियल्स आर यूज विच रिड्यूसेस द पोल्यूशन। अभी हमने सब्सट्रेट के अंदर देखा है यहाँ पर वुड शेविंग्स इस्तेमाल हो रहे हैं, कॉर्न कॉब्स इस्तेमाल हो रहे हैं, सॉ डस्ट इस्तेमाल हो रहे हैं और भी बहुत सारे यहाँ पर शुगर केन मोलेसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम के तमाम वेस्ट मटेरियल हैं। अगर वेस्ट मटेरियल को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हम दे रहे हैं, यानी माहौल के अंदर जो पोल्यूशन है उसकी सफाई हो रही है, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये रहेगा कि ये इको फ्रेंडली है, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट यहाँ पर जो दिया जाता है। ये तमाम चीज़ें अगर ह्यूमन बींग इसको अपने फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ कर रहा है तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल जिनके अंदर यहाँ पर ये जो SCP है दे कैन बी यूज एज अ फोडर, यानी जो एनिमल है उनका जो फोडर, फोडर का मतलब है चारा, उनकी जो एनिमल की जो गिजा होती है उसके तौर पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इंसान ह्यूमन तो यूज़ करेगा, वानी यहाँ पर एनिमल भी उसको यूज़ कर सकते हैं। पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं, हॉर्स की जो फार्मिंग की जाती है, गोट की फार्मिंग की जाती है, पिग्स की फार्मिंग की जाती है, ये जो तमाम फार्मिंग की जो अलग अलग एनिमल की जाती है इनके अंदर भी जो फोडर जो एनिमल को यहाँ पर चारा दिया जाएगा उसके अंदर ये फोडर के तौर पर भी जो यूज़ हो सकता है। तो गरज बताने का मतलब यही है कि आज जो यहाँ पर मीट का जो इंक्रीजिंग डिमांड है आगे उसका शॉर्टेज हो सकता है, तो यहाँ पर एक दूसरा सोर्स हमारे सामने प्रोटीन हासिल करने का जो रहेगा वो है SCP सिंगल सेल प्रोटीन। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर इसको कल्टिवेट करते हैं बाय यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल तो यहाँ पर विथ इन अ शॉर्ट टाइम लार्ज नंबर ऑफ SCP दैट कैन बी प्रोड्यूस और जो आगे जो डिमांड आने वाला है उस डिमांड को हम यहाँ पर जो फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि SCP को ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करना है ताकि प्रोटीन की कमी ना हो और मीट का जो इंक्रीजिंग डिमांड है वो यहाँ पर जो उसको शॉर्ट किया जाए, उसको जो है यहाँ पर काबू में लाया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये इतना पार्ट हमारा जो है जो लास्ट लेक्चर से अभी तक हमारा हुआ है वो यहाँ पर जो है SCP सिंगल सेल प्रोटीन से रिलेटेड है। अब अगला टॉपिक हमारे यहाँ पर चैप्टर के अंदर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के अंदर वो है बायो फोर्टिफिकेशन। एक आम टेंडेंसी यहाँ पर पाई जाती है क्रॉप इम्प्रूवमेंट के अंदर जो भी मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल हाइब्रिडाइजेशन के मेथड, तो एक आम टेंडेंसी ये पाई जाती है हाइब्रिड वराइटीज़ जो होते हैं इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, सिर्फ ये जो है यहाँ पर पेट भरने वाली चीज़ें हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। इसके अंदर बायो फोर्टिफाइड क्रॉप भी होते हैं, यानी इसके अंदर जो है उसी से बना है बायो फोर्टिफिकेशन, क्रॉपिंग ऑफ प्लांट्स टू प्रोड्यूस हायर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। यानी यहाँ पर जो हाइब्रिड वैरायटी तैयार की जाती है उसके अंदर सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाना ऐसा नहीं है बल्कि उसके अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी हाई क्वालिटी भी फूड मटेरियल के अंदर न्यूट्रिएंट्स हाई क्वालिटी होना चाहिए और न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी भी ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर क्रॉप के अंदर इम्प्रूवमेंट हम करते हैं तो इम्प्रूवमेंट जो किया जाएगा फॉर इम्प्रूविंग द न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स अगर हम करते हैं तो ऐसी जो कंडीशन होती है सच टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज बायो फोर्टिफिकेशन, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करना है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट करना है, तो ये जो भी टेक्निक्स यहां पर रहेगी दैट टेक्निक्स दैट मस्ट बी कॉल्ड एज बायो फोर्टिफिकेशन, जिसकी वजह से अगर यहां पर इसके ऊपर वेटेज दिया जाता है तो दिस टेक्नोलॉजी दैट रिड्यूसेस द माल न्यूट्रिशन, ये जो टेक्निक यहां पर रहने वाली है दिस टेक्निक दैट रिड्यूसेस द माल न्यूट्रिशन, अगर प्रोटीन की कमी हो रही
रही है तो उसको दूर किया जा सकता है। अब इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट की कमी है उसको दूर किया जा सकता है, विटामिन्स की कमी है बायो फोर्टिफिकेशन के जरिए उसको दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पर माल न्यूट्रिशन जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, जो डेफिशिएंसी डिसीजेज हैं, उसको ईजीली यहाँ पर जो है कंट्रोल किया जा सकता है। तो एक माइंड बना लेना है बच्चों कि यहाँ पर हाइब्रिड वैरायटी आज जो तमाम मार्केट के अंदर भी अवेलेबल है, सिर्फ प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, प्रोडक्शन के साथ साथ उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर भी वेटेज दिया जाता है, उनको भी यहाँ पर जो है इंप्रूवमेंट के अंदर यहाँ पर जो शामिल किया जाता है, ये कंडीशन यहाँ पर जो है मौजूद होती है। अब यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके यहाँ पर एम्स क्या हैं, बायो फोर्टिफिकेशन के इंप्रूवमेंट इन प्रोटीन कंटेंट, जो भी प्रोडक्ट है उसके अंदर हमें जो है प्रोटीन का कंटेंट जो है यहाँ पर बढ़ाना है, ताकि प्रोटीन की डिफिशियंसी ना हो और पॉपुलेशन टोटली मीट के ऊपर डिपेंड ना रहे, प्लांट्स के जरिए हमें प्रोटीन की डिफिशियंसी को दूर करना है। फिर इंप्रूवमेंट इन विटामिन, विटामिन का प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ाना है। इंप्रूवमेंट इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो विच आर यूज इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे तो बल्क क्वांटिटी में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे तो स्मॉल क्वांटिटी में, यहाँ पर जो केमिकल हैं जो यूज होते हैं हमारा ध्यान उधर नहीं जाता है, क्योंकि दोज आर यूज इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, बहुत कम क्वांटिटी में यूज होते हैं। तो ऐसे भी यहाँ पर जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको भी यहाँ पर इस टेक्निक के जरिए इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। और ऑयल प्रोड्यूसिंग जो भी प्लांट्स हैं जिनके अंदर यहाँ पर ऑयली मटेरियल होते हैं, तो उसके अंदर जो है ऑयल का परसेंटेज बढ़ाना है, क्योंकि ऑयल के जरिए लिपिड का सोर्स हमें हासिल होता है, और विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड मटेरियल, उसके कंटेंट को भी यहाँ पर बढ़ाना है। तो जितनी भी चीज़ें प्रोटीन है, विटामिन है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ऑयल कंटेंट हैं, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो ये तमाम के तमाम कंडीशन जो होती है जो फुलफिल करना है, वो बायो फोर्टिफिकेशन के जरिए हम यहाँ पर उसको जो है फुलफिल कर सकते हैं। तो ये आपके सामने यहाँ पर ये इतना पार्ट जो यहाँ पर मौजूद है, ये सीपी का पार्ट है, अभी ये बायो फोर्टिफिकेशन ये इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट है, अभी आगे और आने वाला है, तो इंशाल्लाह उसको अगले लेक्चर के अंदर हम लोग देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्टडी करने के लिए आपको सहूलत होगी। थैंक यू वेरी मच।